फिल्म इंडस्ट्री से इस वक्त बहुत बुरी खबर आ रही है। मशहूर टीवी शो अनुपमा के एक्टर ऋतुराज सिंह का निधन हो गया है। वो सिर्फ 59 साल के थे। उनके निधन की खबर पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा। इस खबर से ऋतुराज के फैंस और उनके करीबी एक्टर दोस्त सदमे में चले गए हैं। बताया जा रहा है कि ऋतुराज अग्नाशय की किसी बीमारी से पीड़ित थे और हाल ही में अस्पताल में भर्ती हुए थे। कार्डिक अरेस्ट की वजह से उनकी जान चली गई। ऋतुराज के निधन से परिवार में कोहराम मच गया है। ऋतुराज टीवी का जाना माना नाम थे। उन्होंने साल 1993 में टीवी शो अपनी बात से करियर की शुरुआत की थी। वो ज्योति, हिटलर दीदी, शपथ, वॉरियर हाई, आहट और अदालत, दिया और बाती हम, ये रिश्ता क्या कहलाता है सहित कई टीवी शोज में नजर आए थे। ऋतुराज ने कई फिल्मों में भी काम किया। वो एक खेल राजनीति और बद्रीनाथ की दुल्हनिया जैसी कई फिल्मों में नजर आए। ऋतुराज की मौत की खबर पर भरोसा करना लोगों को मुश्किल हो रहा है। एक्टर अमित बहल ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अस्पताल से घर लौटने के दौरान ऋतुराज को कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस हुई और इसी में वो गुजर गए। ऋतुराज से पहले अनुपमा में दोस्त की भूमिका निभाने वाले नितेश पांडे का भी निधन हुआ था। उनकी उम्र 51 साल थी। उनकी भी मौत कार्डिक अरेस्ट की वजह से हुई थी। ऋतुराज के निधन की खबर मिलते ही स्टार्स उनके घर पहुंचने लगे हैं। ऋतुराज की मौत ने लोगों को हिलाकर रख दिया है।